कोरोना वायरस के चलते भीलवाड़ा में महाकर्फ्यू में थोड़ी सी ढील दी गई। यहां पर ढील सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक सुभाष नगर थाना क्षेत्र में दी गई। इस दौरान लोग खरीदारी करने बाहर निकले। इस ढील के दौरान पुलिस ने बाजारों में गश्त करके सोशल डिस्टेंसिंग की भी पालना करवाई। भीलवाड़ा में आज कर्फ्यू के तरीपन में ढील दी गई है। ढील की नई व्यवस्थाओं के अनुसार दी है कि थाना वाइज ढील दी जाएगी पूरे शहर में। आज सबसे पहले सुभाष नगर थाने में ढील दी गई है। हम बात करते हैं सुभाष नगर थाने के सीआई नवनीत जी व्यास साहब से कि आज किस तरह की व्यवस्था है। नवनीत जी, आज कर्फ्यू के 53वें दिन सिस्टमेटिक वे में ढील दी गई है। श्रीमान कलेक्टर साहब और एसपी साहब ने नीचे से पूरा फीडबैक लेके हर लेवल पे व्यापारियों को भी, अलग अलग जो अध्यक्ष लोग हैं अलग अलग संस्थाओं के, उनसे भी मीटिंग की और काफ़ी एक्सरसाइज के बाद में और ये सिस्टमेटिक वे में आज 11 तारीख को सुभाष नगर थाना एरिया के लोग बाजार में परचेजिंग करने जाएंगे। 11 बजे से लगा के 3 बजे तक के परचेजिंग का टाइम है और 10 कैटेगरी की दुकानें खोली गई है। आज आप लोग देख भी रहे हैं बहुत ही व्यवस्थित तरीके से बाजार चल रहा है। लोगों में भी अवेयरनेस है, लोगों को पता है कोरोना के साथ जीना है और इस चीज़ को हमको सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरी चीज़ों के साथ में आत्मसात करना होगा और बहुत अच्छी तरह से सिस्टमेटिक वे में आज ये शुरुआत हुई है। आज के दिन जो सुभाष नगर थाना क्षेत्र में ढील दी गई है, तो क्या सुभाष नगर क्षेत्र के लोग शहर में जा पाएंगे या अपने क्षेत्र में ही ये परचेजिंग या खरीदारी करेंगे? नहीं, इसमें आप समझिए बात को, सुभाष नगर थाना क्षेत्र के लोग आज बाजार में जा सकते हैं। बाजार तो अब खुले रहेंगे 11 से 3। अब कल पूर्व और सदर थाना क्षेत्र के लोग आएंगे, परसों भीमगंज इलाके के लोग आएंगे, पल्लेरोज कोतवाली के इलाके के लोग आएंगे, फिर वापस सुभाष नगर थाना आ जाएगा, तो 5वें दिन वापस, 4थे दिन वापस टर्न आएगा और ये अच्छी शुरुआत है। एक साथ बाजार में भीड़ भाड़ नहीं हो, इसलिए टुकड़े टुकड़े में शहर को 4-5 भागों में बांट के थाना वाइज थाना इलाके के लोगों को परचेजिंग के लिए आज का 11 से 3 बजे तक का टाइम दिया गया। ये थे हमारे साथ सुभाष नगर थाने के सीआई नवनीत जी व्यास, जिन्होंने बताया कि 11 बजे से 3 बजे तक पूरा शहर में कर्फ्यू में ढील दी गई है थाना क्षेत्र में। हम आपको बता दें, हमारे कैमरामैन आपको पीछे बताएंगे कि पूरा रास्ता इसमें व्यवस्थित चल रहा है और पूरा सिस्टमेटिक सामाजिक डिस्टेंस की पूरी पालना करवाई जा रही है। मास्क लगाए हुए हैं, कोई भी गाड़ी पे 2 जनों को बैठा है कि नहीं जाने दिया जा रहा है, सबको समझाया जा रहा है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि आज प्रशासन ने नई तरह की एक पहल की है, जिसमें कि प्रशासन, पब्लिक और पुलिस मॉडल को लागू किया है, जिसमें स्वयंसेवी संस्थाओं के लोगों को जोड़ा गया है जो पूरे शहर में निकल के समझाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में समझाएंगे कि आपको अगर मास्क नहीं लगा हुआ है तो मास्क लगाना है, दूरी पे खड़े रहकर परचेजिंग करनी है। पूरे शहर को 14 जोनों में बांटा गया है और 12 जगह पार्किंग की गई है, जिससे कि शहर में भीड़ भाड़ जैसी स्थिति नहीं हो। पहले भी क्या है कि 4 मई को जब ढील दी गई थी तो उस समय क्या एकदम जन सैलाब भीलवाड़ा में शहर में उतर गया था और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ गई थी, लेकिन आज प्रशासन की व्यवस्था है और सुभाष नगर थाने की पुख्ता व्यवस्था, जगह जगह बैरिकेड करा के इस सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जा रहा है और कर्फ्यू में डील है बिल्कुल बराबर चल रही है और लोग भी इस बात से सहमत हैं या खुश हैं। कैमरा पर्सन गोविंद पैक के साथ योगेश शर्मा, एवन टीवी भील।